राजस्थान में आज शाम 4 बजे राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। शपथ से पहले दोपहर 2 बजे कांग्रेस दफ्तर में होगी बैठक। कल गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। मंत्रियों की शपथ से पहले सीएम अशोक गहलोत रात राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले, लेकिन सिर्फ 3 मंत्रियों के ही इस्तीफे सौंपे। करीब 40 मिनट तक राज्यपाल और गहलोत के बीच बात हुई। राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में 15 नए मंत्री लेंगे शपथ। 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनेंगे। सचिन पायलट खेमे के 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा समेत 11 कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो जाहिदा ब्रिजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुड़ा और मुरारी लाल मीणा राज्य मंत्री बनेंगे। कैबिनेट फेरबदल को लेकर सचिन पायलट का बयान, कहा पार्टी ने अच्छा कदम उठाया, लोगों में अच्छा संदेश जा रहा है, दलितों और महिलाओं की भागीदारी सरकार में बढ़ी। सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया, कहा पार्टी एकजुट है, 2023 में दोबारा सरकार बनाएंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद एमएसपी मुद्दा समेत आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक। अपनी मांगों पर अड़े किसान नेता दर्शनपाल एबीपी न्यूज से बोले, एमएसपी पर कानून बने, बिजली पर अध्यादेश की वापसी हो, पराली और किसान आंदोलन में दर्ज मुकदमे रद्द हो, मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कल की लखनऊ रैली को सफल बनाने की अपील की। बोले, अगर लखीमपुर खीरी में किसानों को परेशान किया जाता है तो लखीमपुर में ही चलाएंगे आंदोलन। 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह एबीपी न्यूज से बोले, पंजाब के किसान संगठन राजनीति में आने या नहीं आने पर आंदोलन खत्म होने के बाद फैसला लेंगे। कृषि कानून रद्द होने से पंजाब के सियासी समीकरण बदले। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम केयर फंड से मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग की, कहा सरकार की गलती का खामियाजा किसान परिवारों ने भुगता। किसानों की बैठक से पहले बोले राकेश टिकैत, सरकार बातचीत करके हल निकाले, हम भी आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार। लखनऊ दौरे की वजह से टिकैत बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान, कहा अभी समय अनुकूल नहीं है, आगे दोबारा किसान बिल लाया जा सकता है। सरकार के कदम की सराहना की। कलराज मिश्र के बयान पर योगेंद्र यादव का पलटवार, कहा वो खुद को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझ रहे हैं, पीएम को इस पर अपना बयान देना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी के बाद सीएए एनआरसी की वापसी की उठ रही मांगों पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी, कहा कुछ पार्टी के लोगों की भाषा पाकिस्तान भी बोलता है। कृषि कानूनों की वापसी पर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का अजीबोगरीब बयान, कहा किसानों के बीच जो पाकिस्तानी और खालिस्तानी नारे लगते थे उन्हें रोकने के लिए बिल वापस लिया गया। कृषि कानूनों की वापसी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, सदन में अध्यादेश आएगा तो चर्चा होगी, कानून बनाना या वापस लेना सरकार का है काम। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आंदोलन में मारे गए किसानों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया, केंद्र से 25-25 लाख रुपए देने की मांग की। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान के परिवार की पीएम मोदी से मांग, कहा कृषि कानून वापस लिए, अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी फौरन हटाएं, तब मिलेगा पूर्ण न्याय। पीएम मोदी के यूपी दौरे का 3रा और आखिरी दिन लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में आज लगातार 2रे दिन शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे लखनऊ से दिल्ली लौटेंगे।
उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी में सीटों के बंटवारे पर नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 50 सीटों की मांग कर रही थी, अखिलेश की पार्टी 32 सीट ही देना चाहती थी। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं, दिल्ली की तरह यहां भी लोगों का भला हो। उत्तराखंड के दौरे पर अरविंद केजरीवाल दोपहर दो बजे हरिद्वार में रोड शो करेंगे, शाम को पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा चालकों से बातचीत की, कहा दिल्ली में हमारी सरकार बनाने में 70% योगदान ऑटो वालों का, हमने ऑटो वालों की छवि बदली। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर नौकरियों में घोटाले का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग की, कहा सिविल सर्विस से ग्रुप डी तक नौकरी के रेट तय हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे, 40% वोट के साथ बीजेपी सबसे आगे, लेकिन हफ्ते भर में हो रहा है बीजेपी को 1% वोट का नुकसान, समाजवादी पार्टी को 1% का फायदा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में सीएम के लिए योगी यूपी वालों की पहली पसंद, 43% के साथ नंबर वन पर योगी, अखिलेश 31% लोगों की पसंद। यूपी पुलिस की बिगड़ी छवि का योगी सरकार को हो सकता है नुकसान, एबीपी न्यूज के सर्वे में शामिल 61% लोगों का अनुमान। सर्वे में शामिल 46% लोग योगी सरकार से नाराज, बदलाव के पक्ष में, 29% लोग नाराजगी के बाद भी बदलाव के पक्ष में नहीं, 25% ना तो नाराज और ना ही चाहते हैं बदलाव। इमरान पर दिए बयान को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का सिद्धू पर हमला, कहा सिद्धू देश के जवानों से माफी मांगे वरना महाराष्ट्र की धरती पर काले झंडे और जूतों से स्वागत होगा। शनिवार को करतारपुर गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए सिद्धू ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तारीफ करते हुए उन्हें बड़ा भाई कहा था, बॉर्डर खोलने की भी मांग की थी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल को महंगा कर रखा था, हमने घटाए टैक्स, पंजाब की जनता की जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बघेल सरकार पर हल्ला, बोल पेट्रोल और डीजल के दामों से वैट ना घटाने पर प्रदर्शन और चक्का जाम किया, कहा जब सब राज्यों ने वैट घटाया तो बघेल से राहत क्यों नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आज अमरावती का दौरा करेंगे, हिंसा प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, पुलिस अफसरों से भी करेंगे मुलाकात। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली घाटी में सच बोलने नहीं दिया जाता, सच बोलने वालों को भेजा जा रहा है जेल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर का बीजेपी पर आरोप, कहा परिसीमन की आड़ में चुनाव टाल रही है बीजेपी, क्योंकि अभी चुनाव हो गए तो बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बैनर्जी का कल से 4 दिन का दिल्ली दौरा, सूत्रों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के साथ मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएंगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला, चिराग बोले नीतीश ने 5 सालों में शराब तस्करों को बहुत मजबूत कर दिया, हाल ही में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी अफसर समीर वांखेड़े परिवार के बीच विवाद और बयानबाजी जारी, अब नवाब की बेटी नीलोफर ने वांखेड़े की शादी का कार्ड जारी कर मुस्लिम होने का दावा किया।
क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आपराधिक साजिश के सबूत नहीं, व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला जिससे पता चलता हो कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा साजिश रच रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के बयान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रतिक्रिया, बोले हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्यन का मामला वसूली और किडनैपिंग का था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है स्वदेशी आईएनएस विशाखापट्टनम, मुंबई में नौसेना में शामिल किया गया। आंध्र में आई भीषण बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सबकी मदद के लिए कहा। आंध्र में बाढ़ बारिश से 17 लोग मारे जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के जवानों ने बचाया। MI-17 हेलीकॉप्टर से 4 जेसीबी कर्मचारी, 2 दमकल कर्मचारी और 3 आम नागरिकों का किया रेस्क्यू। देश के सबसे साफ शहर का अवार्ड जीतकर इंदौर पहुंचने पर अधिकारियों का एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। लगातार 5वें साल देश का सबसे साफ शहर चुना गया इंदौर। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले बढ़ती जनसंख्या की वजह से कानून व्यवस्था की कुछ समस्या पैदा हुई है, अब अपराध पर हो सकेगा बेहतर नियंत्रण। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर मुदासिर को ढेर किया। मुठभेड़ के दौरान फंसे स्कूली बच्चों समेत 60 लोगों को सुरक्षित भी निकाला। सर्च ऑपरेशन अभी जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़। पुलवामा में लश्कर के आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार करने का पुलिस का दावा। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति होगी जब्त। 2014 में आजमगढ़ में केस दर्ज हुआ था। ABP News आपको रखे आगे।